आइए आपका स्वागत है हिप्नोटिज्म ऑनलाइन कोर्स में। फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। हिप्नोटिज्म से मतलब सम्मोहन उपचार से हिप्नोथेरेपी से काफी बीमारियां ठीक हो जाती है। मानसिक बीमारी हम ठीक करते हैं और उसमें एक बीमारी है जो फोबिया है, भयगंड, बहुत डर। फोबिया ये काफी अलग अलग प्रकार के होते रहते हैं। कुछ लोगों को घर के बाहर निकलने का डर लगता है, कुछ लोगों को अंधेरे का डर लगता है, कुछ लोगों को अकेले कमरे में बैठने का डर, किसी को ट्रैवल करने का, यात्रा करने का, बस में सफर करने का डर या ट्रेन में सफर करने का डर, किसको पानी का डर, किसको चिपकली का डर, ऐसे अलग 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 डर लोगों को लगे रहते हैं और उनको काफी सारी एंग्जाइटी उसमें होती है, बहुत डर लगता है उनको और वो चिल्लाते हैं। किसको हाइट का डर है, ऊंचाई पे जाने का डर, किसको दरी का डर, खोल दरी है समझो, उसका डर है, किसको कुछ जानवरों का डर है, कुत्ते का डर, ऐसे काफी अलग अलग प्रकार के डर होते हैं जिसको फोबिया बोलते हैं और वो एक्सेसिव डर रहता है। क्योंकि सभी को छोटा थोड़ा सा डर तो रहता ही है मगर ये लोगों को बहुत ज्यादा डर रहता है। फिर इसके बारे में मैंने मेरे कुछ पहले वीडियो में जानकारी दी हुई है। इसमें मेडिसिन है, दवाइयां हैं और दवाइयों से काफी सारा डर कम हो जाता है मगर इसका जड़ जो है वो जड़ के ऊपर आघात करना, मतलब सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर आघात करना, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर सजेशन देना, सूचनाएं देना और सबकॉन्शियस माइंड का इलाज किया तो बिना दवाई का ये फोबिया ठीक हो सकता है। और हम अभी बात करने वाले हैं हिप्नोथेरेपी इन फोबिया या फोबिक न्यूरोसिस। जब मैं भी सेशन दूंगा तो हिप्नोथेरेपी में आपको करना क्या पड़ता है कि जब हिप्नोटिक सजेशन शुरुआत होते हैं तो हिप्नोटिक सजेशन मतलब आत्म सुझाव या सुझाव जब आप देते हैं तो सिर्फ शब्द सुनने के नहीं है, शब्दों के साथ साथ वो जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस, उसको अपने आंखों के सामने लाना है, उसका विजुअलाइजेशन करना है, कल्पना करनी है। जिसका डर लगता है वो सिचुएशन की कल्पना करनी है, वो सिचुएशन आंखों के सामने लाने की है और उसमें मैं खड़ा हूं और कुछ भी नहीं हो रहा है, एकदम मैं रिलैक्स हूं, बहुत ही क्वाइट हूं, कॉन्फिडेंट हूं, ऐसा अपने आप को देखना है। मतलब सिचुएशन है डर देने वाली, फोबिया का अटैक आया हुआ है, ऐसी कल्पना करना है बैठे बैठे और इधर पूरा बदन रिलैक्स करना है, मन रिलैक्स करना है, शांत रखना है और उसमें अपन शांति से उसका सामना कर रहे ऐसी कल्पना करना है, ऐसे विजुअलाइजेशन करना है। क्योंकि फोबिया में सिर्फ सजेशन देके, सिर्फ शब्द सुना के कुछ काम होगा नहीं, फोबिया में जो सिचुएशन जो है वो सिचुएशन का हम सामना कर रहे और शांति से रिलैक्स होके मस्त कॉन्फिडेंटली सामना कर रहे वो इमेजिन करना है, उसकी कल्पना करना है। तो भी आपको क्या करना है, मैं अभी सूचना दूंगा तो पहले मैं बोलूंगा रिलैक्स, तो रिलैक्स इसका मतलब शिथिल करना, ढीला करना। मैं बोलूंगा स्लीप, तो बार बार जब मैं स्लीप बोलूंगा तब हम हमारे बेडरूम में बेड के ऊपर सोए हैं ऐसी कल्पना करना है रिलैक्स होके। और मैं बार बार डीप ऐसा बोलूंगा तो डीप का मतलब होता है गहरा, अंधेरा, तो डीप में जब बोलूंगा तो गहरा अंधेरा आंखों के सामने है और एखादी अंधेरी गुफा में आप अंदर जा रहे हैं ऐसी कल्पना करने की। तो मैं बार बार बोलूंगा रिलैक्स, स्लीप और डीप। आपने घर में आराम से शांति से बैठना है, कोई डिस्टर्ब करने वाला व्यक्ति नहीं होना, मोबाइल ऑफ करना है, लाइट आंखों के सामने बहुत बड़ा रखना नहीं है, एकदम रिलैक्स बैठना है। अपनी गर्दन जो है या सिर दीवार को टिक के ऐसा रख सकते हैं ताकि उसको पीछे सपोर्ट मिलेगा। हाथ ऐसे मांडी के ऊपर रखना है, दोनों पैर ऐसे रखना है, पैरों के पंजे ऐसे रखना है, एकदम रिलैक्स, आंखें बंद। लोगों को घर में बोल दो कि भाई मुझे डिस्टर्ब मत करो और अपने आप को आत्म सुझाव देना है, जो मैं बोल रहा हूं वैसा फिर आपने अपने शब्दों में बोलना है। तो भी मैं चालू कर रहा हूं, पैरों के अंगूठे रिलैक्स करो, अंगूठे रिलैक्स हो गए, पैरों के तलवे रिलैक्स करो, तलवे रिलैक्स हो गए, पैरों के पंजे रिलैक्स करो, पंजे रिलैक्स हो गए, घुटने रिलैक्स करो, घुटने रिलैक्स हो गए, दोनों पैर रिलैक्स करो, दोनों पैर रिलैक्स हो गए, पेट रिलैक्स करो, पेट रिलैक्स हो गया, कमर रिलैक्स करो, कमर रिलैक्स हो गई, पीठ रिलैक्स करो, पीठ रिलैक्स हो गई, सीना रिलैक्स करो, सीना रिलैक्स हो गया, कंधे रिलैक्स करो, कंधे रिलैक्स हो गए, दोनों हाथ रिलैक्स करो, दोनों हाथ रिलैक्स हो गए, गर्दन रिलैक्स करो,
गर्दन रिलैक्स हो गई, जबड़ा रिलैक्स करो, जबड़ा रिलैक्स हो गया, कान रिलैक्स करो, कान रिलैक्स हो गए, आंखें रिलैक्स करो, आंखों की पलके रिलैक्स करो, आंखें रिलैक्स हो गई, माथा रिलैक्स करो, माथा रिलैक्स हो गया, पूरा चेहरा रिलैक्स करो, पूरा चेहरा रिलैक्स हो गया, सिर रिलैक्स, चेहरा रिलैक्स, बदन रिलैक्स, एंड नाउ स्लीप, 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 डीप। आप गहरी गहरी सम्मोहन अवस्था में जा रहे हो, डीप 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 जा रहे हो, आंखों के सामने अंधेरा 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 छा रहा है और आप डीप 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 सम्मोहन अवस्था में जा रहे हैं। मैं अभी 1 से 10 तक गिनती करूंगा, जैसी जैसी गिनती बढ़ते जाएंगी वैसी वैसी आपकी सम्मोहन अवस्था और गहरी गहरी होते जाएंगी और आप डीप 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 सम्मोहन अवस्था में चले जाएंगे। एक, दो, एक, दो, तीन, चार, गो डीपर एंड डीपर, पांच, छः, सात, स्टिल डीपर, आठ, नौ, दस, एंड नाउ स्लीप, 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 डीप। आप गहरी गहरी सम्मोहन अवस्था में जा रहे, डीप 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 जा रहे, आंखों के सामने अंधेरा 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 छा रहा है और आप डीप 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 सम्मोहन अवस्था में जा रहे। मैं भी आपको कुछ सूचनाएं देने जा रहा हूँ, वह सूचनाओं का अच्छी तरह पालन करना है और सूचनाएं अपने रोज के जीवन में, रोज के व्यवहार में अपनाने की है। आपको ऐसी अभी कल्पना करनी है कि आप डरावनी वाली सिचुएशन में हो, वो सिचुएशन अभी आपके सामने आ गई है, ऐसी आपने अभी कल्पना करनी है। आप कल्पना करो कि जिससे भी आपको बहुत डर लगता है, भयगंड है, वो सिचुएशन की आप अभी कल्पना करो, वो सिचुएशन में आप है ऐसी कल्पना करो, भयंकर टेंशन वाली, डरावनी, डर देने वाली, भय देने वाली सिचुएशन वहां ऐसी कल्पना करो और उसमें आप एकदम कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वास के साथ में खड़े हो और वह सिचुएशन का सामना कर रहे हो ऐसी कल्पना करना है। वो आप करते रहो, वो सिचुएशन है डरावनी, घबराहट देने वाली, फिर वो स्टेज डेयरिंग की होंगी कि आपको स्टेज पे जाके भाषण देने का डर है या आपको अकेले यात्रा करने का डर है, सफर करने का डर है, या आपको बड़े व्यक्ति से बात करने का डर है, या आपको ऊंचाई का डर हो या गहराई का डर हो, जो भी बात का आपको डर लगता है, जो भी सिचुएशन का आपको डर लगता है, बस उसका सिचुएशन का पूरा सीन
आपके सामने खड़ा करो और आप एकदम डरे हुए इंसान हरदम रहते थे, अभी एकदम कॉन्फिडेंटली उसका सामना कर रहे हो, ऐसी कल्पना करना है। कल्पना करते रहो, मैं रुकता हूं कुछ मिनट के लिए, कल्पना करो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आपका आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। कोई भी समस्या का सामना आप आत्मविश्वास के साथ में कर सकोगे। आपका आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। कोई भी समस्या का सामना आप पूरे आत्मविश्वास के साथ में कर सकोगे। आपका आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। कोई भी समस्या का सामना आप पूरे आत्मविश्वास के साथ में कर सकोगे। अभी आपने कल्पना करनी है कि आप एक गुब्बारे में बैठे हो, गुब्बारे के बाहर एक व्यक्ति है, एक गुब्बारा बलून फुगा उसमें आप बैठे हो, हवा का फुगा है उसमें आप बैठे, अंदर बाहर एक व्यक्ति है जो अपना आपका डुप्लीकेट है, जो आपकी जीरोक्स कॉपी है। वो व्यक्ति बाहर है मगर वो परफेक्ट है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है, वो बहुत डेयरिंग वाला है, मन उसका शांत है, कुछ भी कर सकता है वो, कोई भी चीज का सामना कर सकता है, ऐसा व्यक्ति वो है। और वो आप ही है, वो बाहर खड़े हैं। अभी वो अंदर आने वाला है, वो गुब्बारे के खिड़की से अंदर आएगा, अंदर आके अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है, अंदर आ गया, आपके पास में आ गया और आपके शरीर में उसने प्रवेश किया। अभी आप एक नए इंसान बन गए हो, ट्रांसफॉर्म इंसान, नया इंसान जो कुछ भी कर सकता है, कोई भी सीन का सामना कर सकता है, कोई प्रसंग का सामना कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, कॉन्फिडेंट है। तभी आप अपने आप को वैसा देखो कि आप कॉन्फिडेंट है, डेयरिंग से सामना कर रहे हैं। फिर भाषण देते हुए आपको उसका डर लगता है तो आप वो कल्पना करो कि आप भाषण दे रहे हैं। आपको ट्रैवल करने का, यात्रा करने का डर है तो यात्रा कर रहे हैं अभी, ऐसी कल्पना करो। किसी बड़े आदमी के साथ में बात करने का डर है तो बात कर रहे हैं, ऐसी कल्पना करो। जो भी चीज का, जो भी बातों का, जो भी सिचुएशन का डर लगता है वो सिचुएशन सामने लाओ और उसमें आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली इन रिलैक्स्ड वे बात कर रहे हो, ऐसी कल्पना करना है। बहुत जबरदस्त, बहुत वंडरफुल, बहुत बढ़िया। आप कभी, मैं 3 से 1 तक उल्टी गिनती करूंगा और आपको जगाऊंगा, जगाने के बाद में आपको बहुत ही फ्रेश लगेगा, उत्साहित लगेगा। 3, आंखें खुल रही है आपको जाग आ रही है। 2, आंखें खुल रही है आपको जाग आ रही है। 1, तो जाग जाओ, आंखें खोलो, आपको बहुत ही फ्रेश लगेगा, बहुत ही उत्साहित लगेगा, एनर्जेटिक लगेगा, एंथुजियास्टिक लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही वंडरफुल। तो ये दिन में 4 बार आपने सुनने का है, 4 बार ऐसी कल्पना करनी है। और एक्चुअली जब आप वो सामना कर रहे हैं वो सिचुएशन का, तो वहां भी आपने रिलैक्स रहने का है। मतलब यहां बैठे बैठे कल्पना कर रहे हैं और एक्चुअली जब जा रहे हैं तो कल्पना ये करना है कि हम रिलैक्स हैं। इस तरह का आप बार 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 करोगे तो सबकॉन्शियस माइंड में नए पैटर्न्स तैयार हो जाएंगे और नए पैटर्न तैयार होंगे। तैयार होने के बाद में आपको अच्छा लगेगा, कोई दवा की जरूरत पड़ेगी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।